रणबांकुरों की धरती राजस्थान वीरता के क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखती है। महाराणा प्रताप की जन्मभूमि के कण कण में वीरता बसती है। ऐसे ही एक परमवीर सैनिक का नाम था पीरू सिंह शेखावत। राजस्थान में झुंझुनू जिले के बेरी गांव में 20 मई 1918 को ठाकुर लाल सिंह शेखावत के घर जन्मे पीरू सिंह ने आरंभिक शिक्षा के उपरांत भारतीय सेना के माध्यम से देश की सेवा करने का निर्णय लिया। भारत पाक विभाजन के बाद कश्मीर पर कबायलियों ने हमला कर हमारी मातृभूमि के कुछ हिस्से पर जब अपना कब्जा कर लिया तो ऐसे में भारत सरकार ने अपनी भूमि की रक्षा हेतु सेना भेजी। इस सिलसिले में राजपूताना राइफल्स की 6th बटालियन की डी कंपनी को भी तैनात किया गया, जिसके पीरू सिंह हवलदार मेजर थे। 18 जुलाई 1948 को टिथवाल क्षेत्र में पीरू सिंह अपनी बटालियन के साथ दुश्मनों के आक्रमण का जवाब देते हुए उस स्थान से आगे बढ़ रहे थे जहां दुश्मन मशीन गन से गोलियां बरसा रहा था, परंतु पीरू सिंह प्राणों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने अदम्य नेतृत्व और शौर्य का परिचय दिया। अपनी स्टेन गन से दुश्मन के उन सभी सैनिकों को भून दिया जो गोली बरसा रहे थे, परंतु उसी समय दुश्मन की एक गोली पीरू सिंह के सिर पर लगी और वह भारत माता को सलाम कहते हुए शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिसे उनकी माता श्रीमती तारा देवी ने ग्रहण किया। पीरू सिंह राजस्थान के पहले परमवीर चक्र विजेता थे। राजस्थानी कवि उदयराज उज्जवल ने उनकी वीरता पर क्या खूब कहा है। टिथवाल री घाटियां विकट पहाड़ा जंग, सेखो कियो अद्भुत समर रंग पिरूती रंग। पीरू सिंह शेखावत के शहीदी दिवस पर समस्त आईएमसी परिवार उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, गुड आईएमसी। कंपनी की जानकारी लेने के लिए हमारी वेबसाइट www.imcbusiness.com पर विजिट करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।